हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपको इस वीडियो की थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो जी हाँ, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कलेंजी के जो 7799 के जो शूज आते हैं 800 रुपए के, आज मैं उनके बारे में रिव्यू देने वाला हूँ। और रिव्यू मैं उन्हें 1 साल यूज करके देने वाला हूँ। वो शूज मैंने 1 साल यूज कर लिए हैं। उन शूज मैं 2020 अक्टूबर में लेके आया था, फॉर रनिंग पर्पज के लिए लाया था मैं। वैसे वो शूज रनिंग पर्पज के लिए है नहीं, जैसा वो लोग क्लेम करते हैं। अगर आप उनके डिकैथलॉन के आउटलेट में जाएंगे तो वहां लिखा होता है कि 2 और 3 दिन जॉगिंग के लिए ही हफ्ते में, बट मैंने उनसे 1 साल पूरे कंटिन्यू करे हैं। बस जितने महीने ये लॉकडाउन में बंद रहा है, दूसरे लॉकडाउन में 2-3 महीने, बस उतने महीने मेरी रनिंग नहीं हो पाई है। नहीं तो मैंने पिछले 2020 के अक्टूबर से लेके 21 के अक्टूबर तक मैंने इनको यूज किया है। और इनके यूज करने के बाद इनकी हालत कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। ये रखे तो गाइस, इनके यूज करने के बाद इनकी हालत कुछ इस तरीके से हो गई है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊंगा ये कहाँ कहाँ से फट चुके हैं। एक ये यहां से फटा है शूज मेरा, और एक ये यहां से भी फट रहा है कोने से, और मेरा ये लेफ्ट पैर का शूज भी यही सेम जगह से फट रहा है जहां से राइट पैर का फटा था, और ये भी यहां से फट रहा है। आप इन शूज की हालत देख सकते हैं, इनको 1 साल हो गया है पूरा प्रॉपर। ये देख लीजिए, सोल अभी तक प्रॉपर तो नहीं घिसा है, पर हाँ कुछ पार्ट 40-50% ये घिस चुका है, पर अभी प्रॉपर घिसा है ये आप नहीं कह सकते हैं। तो ये मेरे शूज हैं कलेंजी के, तो इन्हीं के बारे में मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ कि भाई मैं इन्हें 2 अक्टूबर में लाया था पिछले साल, तो मैंने ये यूज किए रनिंग के लिए, तो ये कैसे हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह मुड़ने तुड़ने में। पर अब इनके 1 साल बाद इनके साथ जो दिक्कत आई है, वो दिक्कत ये है कि इनका जो सोल है वो पतला हो गया है। तो मैं जब रनिंग करता हूं तो मुझे ये फीलिंग आती है कि जैसे मैं बिना शूज के दौड़ रहा हूं, क्योंकि इनका सोल बहुत पतला हो गया है। ये इस साइड का जो सोल है ये बहुत पतला हो चुका है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आती है। पर मैं रनिंग अभी भी इन्हीं शूज से करता हूँ, क्योंकि इन शूज ने मेरे पैर की ग्रिप बना ली है बहुत अच्छे से, क्योंकि 1 साल हो गए हैं पहनते पहनते, तो ये मेरे पैर में बिल्कुल फिट आते हैं। तो अगर आप ये शूज लेने की सोच रहे हैं रनिंग के लिए, तो ऐसे तो कोई बुरा आइडिया है नहीं, शूज बहुत अच्छे हैं। बट इनके साथ सिर्फ एक मैं आपको वार्निंग देना चाहूंगा कि इन शूज को आप कभी भी वॉश ना करें। जो मेरी गलती थी सबसे बड़ी वो यही थी कि मैंने ये शूज वॉश कर दिए थे, और ये वॉश करने के बाद ही फटे हैं। और मैंने जब पहली बार मेरे जूते गंदे हो गए थे तो मुझे लगा धो दूं, तो मैंने ब्रश से लेके यहां से ज्यादा रगड़ दिए थे, और जब ही से इसमें धागे निकलने शुरू हो गए। तो अगर आप ये शूज लेने की सोच रहे हैं तो नो डाउट बहुत अच्छे शूज हैं, बट आप इन्हें मेरी माने तो कभी धोइएगा मत, चाहे ये कितने भी गंदे हो जाए इन्हें कभी मत वॉश कीजिएगा। थोड़ा सा गीला कपड़ा लेकर साफ कर लीजिएगा अगर ज्यादा गंदे हो जाए तो, पर कभी भी मत धोइएगा, क्योंकि मैंने इन्हें 6-7 महीने से नहीं धोया है, और ये उतने ही हैं जब जहां तक इनके फटे हुए थे ये वहीं पर रुके हुए हैं अब तक, जब से मैंने इन्हें धोना छोड़ा है। तो मेरी राय तो भाई यही है, ये इनको धोना मत। जूते बहुत अच्छे हैं दौड़ने में, अगर आपका 1000 रुपए तक का बजट है तो ये जूते बहुत अच्छे हैं, मेरी राय से आप ये जूते ले सकते हैं। तो गाइस यही था इस वीडियो में, शूज आर द बेस्ट इन द रेंज ऑफ 800, और क्या लोगे यार 800 रुपए में जूते रख दूं मैं। और अगर आपका कोई डाउट हो इन शूज से रिलेटेड तो जरूर मेरे से कमेंट में पूछिएगा। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनाता हूँ, आपका और मेरा टाइम दोनों का ही समय बहुत कीमती है। तो भाई बस इतनी ही बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, आप भाइयों की सपोर्ट की जरूरत है बस। थैंक यू गाइस।